काजल हरियाणा में अपने गांव में इसी तरह पिता के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर जाती है और खेत पर काम करवाती है। लेकिन शाम होते ही नेशनल लेवल की ये फुटबॉल खिलाड़ी खेल के मैदान में जुट जाती है। काजल की छोटी बहन वर्षिका भी खेलती हैं। 12वीं में पढ़ने वाली वर्षिका का चयन अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए हुआ है। वर्षिका तो अभी विश्व कप में खेलने गई हुई हैं, लेकिन ये मेडल और तस्वीरें उनकी प्रतिभा को दर्शाती हैं। बिन माँ के बड़ी हुई दोनों बहनों और परिवार ने छोटी उम्र से कड़ा संघर्ष किया है। हमारा पीछे का बैकग्राउंड भी ठीक नहीं है। मैं 3 साल की थी तब मम्मी को कैंसर हो गया और मम्मी एक्सपायर हो गई। उसके बाद मेरे घर की स्थिति बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। घर पूरा डगमगा गया था मेरा। फिर दादी ने हिम्मत की और फिर हम दोनों बहनों को पाला और फिर हमें पढ़ाया लिखाया और ग्राउंड पे भेजने लगे पापा। फिर पहले मैं जाती थी और फिर मुझे देखते देखते वर्षिका भी मेरे साथ जाने लगी ग्राउंड पे। जल्दी जल्दी काम किया और फिर ग्राउंड पे जाके आई। फिर आके फिर घर आने के बाद फिर काम करते हैं। हम भी खेल के आते हैं, रात को आते हैं तो पापा रोटी बना के देते हैं हमें भी। आज वर्षिका का होया, मैं झूठी कौन बोल लिया करूँ। वर्षिका का होया मगर दो, एक तो थी आगे एक और आगे होया बोला है तो होया वर्षिका पैदा हुई जब। हाँ फिर वह तब नबेरा सा अच्छी लाग दिन पड़ते जान तो अच्छी लग गई। वर्षिका के तरह ही हरियाणा के अलकपुर गांव की शैलजा भी विश्व कप में खेल रही है। शैलजा के माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। पैसे की कमी हमेशा रही, लेकिन बेटी की हौसला अफजाई में माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम जो मजदूरी करते हैं, शैलजा जी 8 साल की थी वे जिद खेलना शुरू किया। हाँ बुखार में भी जाती थी दीदी, बुखार हो जाता तो वह घर पर नहीं डटती जी। बारिश आंदी तो भी बारिश में जाती भिजती, कोई नहीं ग्राउंड पाता तो उल्टी घर पर आ जाती। मदद सारे ने मिलकर करी जी। हाँ मदद करी जी, किन चीज़ मांगी उसने कदे ना कौन करी चीज़ टेम पर लिया की जी। बेटी के बेटा तो कम से जी मन तो बाद सही से बेटे को नहीं से बेटी है जी, मन बहुत अच्छी लग रहा। गाँव वालों और कोच को लड़कियों पर गर्व है, लेकिन मुश्किलें भी बनी हुई हैं। संघर्ष तो बहुत ज्यादा, सर मेन संघर्ष यहाँ इधर है गांव में डाइट का। मतलब जो बच्चों का पैसा भी आ रहा ना, उसको घर वाले अपने लिए यूज कर रहे हैं, बच्चों की डाइट पे यूज नहीं कर रहे। अगर वो डाइट नहीं खाएंगे, इधर तो मेहनत ज्यादा होगी और डाइट नहीं ली तो तकरीबन बच्चे इंजरी सफर कर रहे हैं। जो मेन ग्राउंड में उसमें हर साल 10 महीने पानी रहता, हम उसमें 2 ही महीने ट्रेनिंग कर पाते हैं बस, क्योंकि मतलब पानी सूखता है तो बारिश फिर आ गई, उसमें तो मोस्टली पानी रहता ही है। विनेश फोगाट हूँ या साक्षी मलिक, कुश्ती में हरियाणा की लड़कियों के दांव पेच सबने देखे हैं। अब किक करने की बारी हरियाणा की फुटबॉल खिलाड़ियों की है, जहां अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप में हरियाणा से 5 लड़कियों का चयन हुआ है। सत सिंह के साथ वंदना, BBC News अलकपुरा हरियाणा।